बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्ले क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है नेल्स को कट करने का, नाखून काटने का सुंदर तरीका। नेल्स को कट करने का सुंदर तरीका क्या होता है? सबसे पहले सब बच्चे अपना राइट हैंड अप करें, राइट हैंड ऊपर करें सब बच्चे अपना इस तरह से, ठीक है। और अपने थंब को ऐसे क्लोज करें, अपने थंब को बंद करें ऐसे जैसे मैंने किया। इस तरह से, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेल्स को कट कैसे करेंगे? सबसे पहले शहादत वाली उंगली से, ठीक है, शहादत वाली उंगली से हम लोगों ने नेल्स को कट करना शुरू करना है। अभी हम लोगों ने थंब के नेल को कट नहीं करना, राइट हैंड के थंब के नेल को अभी हम लोगों ने कट नहीं करना, सिर्फ हम लोगों ने अभी शहादत वाली उंगली से नेल को कट करना शुरू करना है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड के सारे फिंगर्स के नेल्स को जब हम लोग कट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग राइट हैंड के थंब के नेल को कट करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? यस यस। ये है हमारा सुंदर तरीका किस चीज को कट करने का, नेल्स को कट करने का, ठीक है। ये नेल्स को कट करने का सुंदर तरीका है। और नाखून किस दिन काटने चाहिए? जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। बताइए जरा सब बच्चे किस दिन नेल्स को कट करना चाहिए? फ्राइडे वाले दिन। कौन से दिन? फ्राइडे वाले दिन। और जब हम लोग नेल्स को कट कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे नेल्स के सारे जंग चले जाते हैं, हमारे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। जब बच्चे नेल्स कट नहीं करते, गंदे नेल्स से जब वो खाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर फ्राइडे वाले दिन अपने नेल्स को कट करना चाहिए, ठीक है। और नेल्स कट कैसे करना चाहिए? सुंदर तरीके से। हमारा